अरे आपको स्कूटर चलाना आता है? अरे स्कूटर रोक, स्कूटर चलाना आता है? स्कूटर चलाना आता है? अरे स्कूटर चलाना आता है क्या? खुद को स्कूटर चलाना नहीं आता, मुझे चलाना कहते चलाना आता है? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको चढ़ा नहीं रहा था, मैं तो आपसे पूछ रहा था आपको स्कूटर चलाना आता है कि नहीं, इसलिए क्योंकि अगर आपको स्कूटर चलाना आता होगा तो आपको स्टार्ट करना भी आता होगा। इस स्कूटर का क्या प्रॉब्लम है कि एक बार ये रुक जाए ना तो दोबारा स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। आपको स्कूटर चलाना आता है ना? हाँ? मुझे फिर चला रहा? दिखा लाइसेंस, दिखा। काहे का? ड्राइविंग लाइसेंस। वो लाइसेंस तो नहीं है मेरे पास। अच्छा बेटा, स्कूटर चलाएगा सड़क पे और लाइसेंस भूल आएगा घर पे? नहीं नहीं, जेब में रखूंगा। कब रखेगा? जब मिल जाएगा मुझे। तो मुझे लाइसेंस नहीं है, स्कूटर चला रहा। मैं आरटीओ जा रहा था ना लाइसेंस लेने के लिए। स्कूटर चला के? हाँ, स्कूटर के साथ टेस्ट लेते हैं ना आपका। टेस्ट वहाँ पर होता है, यहाँ पर नहीं है। किसी का एक्सीडेंट हो जाता, किसी को चोट लग जाती, कोई मर जाता तो बिना लाइसेंस के खड़े स्कूटर पर बैठना भी जुर्म है। और तू चला रहा था, कानून तो होता है। ये क्या कर रहे हैं आप? चालान कर रहा हूँ, चालान। नहीं नहीं, चालान की क्या जरूरत है, उसके बिना भी तो काम चल सकता है ना। मैं समझ रहा हूँ। ये लीजिए। भीख दे रहे हो क्या? ले लीजिए, 10 रुपये बहुत कम है, 10 और दो। अरे आप तो पांडे हैं, पांडे जी, आप तो हमारी बिरादरी के हैं। मेरे मामा का लड़का जो है ना, वो भी ट्रैफिक हवलदार है, उसका नाम है कबड्डी लाल। हाँ? हाँ? कबड्डी लाल? जी हाँ। तुम उसके भाई हो? जी हाँ, भाई हूँ मैं उसका। आप समझ लीजिए कि उसके साथ उठना बैठना खाना पीना एक साथ है हमारा। रोज मिलते हो उससे? जी हाँ, जैसे एक तकिए के ऊपर 2 सर होते हैं ना, वैसे हैं मैं और कबड्डी। अरे पहले क्यों नहीं बताया, 100 रुपए और दो। 100 रुपए किस चीज के? 3 महीने पहले 100 रुपए लेके गया मुझसे, आज तक नहीं दिखाई दिया। तुम तो भाई हो ना उसके, ले लेना। लेकिन लेकिन क्या, भाई हो ना उसे, ले लेना। ए झूठ बोल रहा है क्या, भाई नहीं है क्या? नहीं, नहीं बोल रहा हूँ, भाई है मेरा कबड्डी। ला लीजिए, 10 रुपए तो लौटा दीजिए। कबड्डी का भाई है इसलिए 10 रुपए में छोड़ रहा हूँ, वरना मैं अपना हक कभी नहीं छोड़ता। जाओ। खेल के क्यों ले जा रहा हूँ, पीछे से कोई मार देगा तो? स्टार्ट करके ले जाओ। कोशिश करता हूँ, अगर हो गई स्टार्ट तो कर लूंगा। दलालों से साथ पर मोहर कौन लगाता है? साहब, लेकिन मर्जी किसकी होती है? शुक्ला जी की। ज्यादा आरटीओ में कोई पहिया हिल नहीं सकता, मेरे मर्जी सब सलाम करते हैं। सॉरी भाई साहब। सॉरी भाई साहब। मारा क्यों? आने का धोखा था। सॉरी बोला ना? मैंने भी तो सॉरी बोला ना। फोन बनवाना? हाँ। टू व्हीलर? हाँ। वार्निंग? हाँ। परमानेंटली? हाँ। बनवा ले बेटा, अब तू लाइसेंस देखता हूँ। भैया शुक्ला के मर्जी के बगैर यहाँ पहिया नहीं हिलता। शुक्ला कौन है? शुक्ला को नहीं जानते? तभी मैं कहूँ बाजार आटियों में पूरा आटियों कैंपस में कुछ भी हिम्मत नहीं हाथ लगाने। बनवा ले बेटा तू, शुक्ला के मर्जी के बगैर यहाँ कुछ नहीं होता। बनवा ले तू अब। अरे शुक्ला कौन है? शुक्ला कौन है यहाँ पे? झगड़ा नहीं हुआ,
हो जाएगा ना तो दो बातें होती, या तो तुम पिटते या तो पीटते। पीटते तो ठीक था मगर पिटते तो दो बातें होती, या तो तुम्हारे कपड़े फटते या तो ना फटते। कपड़े ना फटते तो ठीक था मगर फटते तो दो बातें होती, या तो तुम्हारी इंसल्ट होती या ना होती। ना होती इंसल्ट तो ठीक था मगर इंसल्ट हो जाती तो दो बातें होती, या तो तुम्हारी दलाली की दुकान बंद हो जाती या तो ना होती। ना होती तो ठीक था मगर दलाली की दुकान बंद हो जाती तो तुम्हें दलाली कहाँ से मिलती, और तुम्हें दलाली नहीं मिलती फिर हमारे कमीशन का क्या होता। अरे सर क्या बात है। अच्छा हुआ झगड़ा नहीं हुआ। ये शर्ट कैसे फटी? ये वो बीच बताओ मैं। जी जी ठीक है बोलो क्या कुछ काम था। जी सर हाँ, दो लाइसेंस के लिए और एक गाड़ी का नंबर चेंज करना है। चोरी की है? अरे सर आपको तो पता है शुक्ला का भी गलत काम करता ही नहीं। ठीक है मगर सब पेपर बराबर रखे? अरे खुद देख लीजिए ना। हाँ ठीक है। मुझे आदमी खड़ा है ना दरवाजे पर। तो लो जिसके जूते पे तुमने थूका। अरे भाई साफ दिखता है और इतना परफेक्ट निशाना तुम्हारे अलावा किसी का हो सकता है? क्या करना है उसका? लाइसेंस बनवाने आया है। डोंट वरी नहीं बनेगा। उषा भाई जरा ये फाइल इंस्पेक्टर को दे आओ। देखते नहीं साहब मैं बिजी हूँ। वो तो देख ही रहा हूँ। क्या कूट रही हो? गरम मसाला। सचमुच में बहुत गरम है। यही तो जरा छू कर तो देखो। क्या करूँ सच? आप इसे हिलाते रहो मैं फाइल देख के आती। अरे उषा सुनो। ए उषा भाई मुझे एक गरम मसाला कटवाना है। क्या? नहीं मतलब एक लाइसेंस बनवाना है। टू व्हीलर जी। लर्निंग जी। परमानेंट भी जी। वहाँ जाइए वो सामने। हाँ वो जो मोटे से साहब बैठे हुए हैं। हाँ वो जो खाकी कमीज पहने हुए हैं। हाँ वो जो उससे। हाँ भाई हाँ। नहीं सॉरी आप करिए करिए। हाँ कर है। ए उषा क्या है लाइसेंस बनवाना है? टू व्हीलर जी। लर्निंग जी। परमानेंट भी जी। फॉर्म भरा? नहीं फॉर्म नहीं भरा। तो पहले फॉर्म भरा। तो फॉर्म कहाँ से मिलेगा? बाहर विंडो पे मिलेगा। नहीं बाहर उन्होंने बताया कि फॉर्म अंदर मिलेगा। तो तुम उनसे मिलो ना तलवार साहब से मिलो। तलवार साहब कहाँ मिलेंगे? अरे होंगे यही कहीं। ये जो भाई साहब यहाँ बैठे हुए तलवार साहब है? नहीं नहीं अरे ढूंढो ना सब कुछ मैं ही करूँ क्या? तलवार साहब पटेल साहब ये तलवार साहब कौन है ऑफिस में? तलवार पता नहीं। इस मसाले ने तो मेरी चटनी बना के रख दी। आप तलवार है? मैं तलवार हूँ तो आप छुरा है? नहीं नहीं मैं छुरा नहीं मैं चोपड़ा हूँ मुसद्दीलाल चोपड़ा। आप तलवार है? देखने में मैं तलवार लगता हूँ? देखने में तो आप तोप लगते हैं। आप तलवार? अरे मैं तलवार नहीं हूँ मैं भाटिया हूँ भाटिया। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? मैंने तो जरा सी बात पूछी थी। अच्छा तलवार कहाँ है? मैन में। अबे मुझे क्या पता कि तलवार कहाँ मिलेंगे? इस ऑफिस के अंदर आदमी काम करता है उसको ये पता नहीं है कि भाई तलवार कहाँ मिले। भाई साहब आप तलवार हैं? जी नहीं। तो कहाँ जाऊं ढूंढने के लिए तलवार को मैं? सर आप बाघ मारे? जी नहीं मैंने कोई बाघ नहीं मारे। मतलब नाम से था कि आपका नाम बाघ मारे है? जी नहीं मेरा नाम चोपड़ा है मुसद्दीलाल चोपड़ा। अच्छा आप तलवार? जी नहीं मेरा नाम गोधूले है। आपको पता है तलवार कहाँ मिलेंगे? मैं भी बागमारे साहब को ढूंढ रहा हूँ। लाइसेंस का फॉर्म? लाइसेंस का फॉर्म तो तलवार साहब देते हैं। जी नहीं बागमारे साहब देते हैं। अरे तलवार साहब देते हैं। बागमारे साहब देते हैं। भाई साहब तलवार साहब देते हैं। बागमारे साहब देते हैं। आलूवालिया साहब कहाँ मिलेंगे? पता नहीं कहाँ मिलेंगे। फिर किसे पता होगा? मैं एक सप्ताह से आलूवालिया साहब को ढूंढ रहा हूँ मुझे लाइसेंस फॉर्म लेने। लाइसेंस फॉर्म तो तलवार साहब देते हैं। बाघ मारे साहब देते हैं साहब। आलू वालिया साहब देते हैं। तलवार साहब देते हैं। बाघ मारे साहब देते हैं। आलू वालिया साहब देते हैं। तलवार साहब देते हैं। बाघ मारे साहब देते हैं। ओहो आलू वालिया साहब देते हैं। तुम दोनों से किसने कहा है? मैंने कहा अरे लाइसेंस के फॉर्म तो भाटिया साहब देते हैं। आपने कहा तलवार साहब देते हैं। अरे मैंने नहीं कहा। आपने कहा क्या? यही कहा कि लाइसेंस के फॉर्म तलवार साहब देते हैं। किसने कहा? आपने कहा। कौन तय करेगा मैंने क्या कहा? आप मैंने कहा कि मैंने नहीं कहा। भाटिया के पास जाइए। ये किसने कहा? मैंने। हाँ भाई बोलने की जरूरत नहीं है मैं तलवार हूँ। मैं तलवार ही हूँ। ना ना ना
मैं कट्टा हूँ, छुरी हूँ, तोप हूँ, कुछ भी हूँ, लेकिन मैं भाटिया नहीं हूँ। नहीं नहीं आप भाटिया साहब हैं। नहीं नहीं मैं तलवार हूँ। नहीं नहीं आप भाटिया साहब। नहीं नहीं मैं तलवार। नहीं भाई साहब आप भाटिया साहब हैं, प्लीज भाई साहब। अच्छा तो आज पता चला भाई, थैंक यू। बताइए क्या खिदमत करूँ जी? मुझे लाइसेंस बनवाने के लिए ना एक लाइसेंस का फॉर्म चाहिए था। अच्छा अच्छा फॉर्म फॉर्म देता हूँ मैं। अरे उषा भाई ये फॉर्म कहाँ रखा है? उषा भाई जी हेलो आरटीओ। हाँ एक मिनट उषा भाई। भाई साहब जरा उषा भाई को बुलाएंगे, उनकी सास का फोन है। प्लीज उषा भाई जी आपकी सास का फोन है। क्या बोलती वो? ये तो मुझे नहीं पता, आप जाके पूछ लीजिए। ये पकड़ लो और हाथ चला करो। हाँ जी हेलो। हाँ बोल, क्या बोलती तू? मैं क्या बोलूं? सुन सुना आती क्या ऑफिस? क्या करूं आके मैं ऑफिस? अरे मुसल पड़ा है, मसाला पड़ा है, उखली पड़ी है, लेके कौन जाएगा मेरा बाप? तुम हाथ चला। नहीं नहीं अरे तू नहीं, तू क्या हाथ चलाएगी मेरे पे? सीधा अंदर कर दूंगी लास्ट टाइम जैसा। हाँ याद है ना, सीधा पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगी। हाँ कपड़े धोए क्या? क्या इतना सा काम नहीं किया? अरे होता है क्या उसमें? थोड़ा सा भिगो ना, साबुन लगाना, निचोड़ के सुखाना, और क्या। तेरे से तो ना मैं आने के बाद ही बात करूंगी, वैसे भी तेरे साथ बात करने का मेरा मन ही नहीं होता है। भाई जी। हाँ बोल। हो गया मसाला? हो गया जी। वेरी गुड, आके लेके जा। थैंक यू जी। तो मुझे वो लाइसेंस के लिए फॉर्म चाहिए था। वो तो वहां है। वहां कहां है? भाटिया सबके ड्राइवर में। शुक्ला की तो शर्ट ही फट गई। चारू को भी मैं बता, यही है वो, समझ गया ना? समझ गया। अरे सर इधर देख लीजिए, ठीक है ना फॉर्म? फॉर्म तो ठीक है, लेकिन यार लर्निंग और परमानेंट लाइसेंस एक साथ तो बनते नहीं है। पहले लर्निंग लाइसेंस बनेगा, फिर आप अपने स्कूटर पे एल लगा के लर्न करो, एक महीने बाद आओ, हम टेस्ट करेंगे, अगर पास हो गए तो हम आपको परमानेंट कर देंगे। लेकिन लर्न तो मैं कर चुका हूँ बिना लर्निंग लाइसेंस के, ये तो गलत बात है। अरे बिना अपनी गाड़ी के ऊपर एल लगाए आप लर्न कैसे कर सकते? और बिना लर्निंग लाइसेंस के आप एल लगा नहीं सकते, और लर्निंग लाइसेंस आपके पास था नहीं तो फिर लर्न कैसे कर लिया? देखिए मैं स्कूटर चला के आया हूँ यहाँ तक, स्कूटर चलानी मुझे आती है, आप चाहें तो मेरी स्कूटर बाहर खड़ी है देख लीजिए। नहीं नहीं वो तो ठीक है, लेकिन बिना लर्निंग के तो टेस्ट ले लीजिए। वो तो लेंगे ही, लेकिन उससे पहले इंस्पेक्टर साहब आपका एक और टेस्ट लेंगे। किस चीज का? ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन का। आपको सारे ट्रैफिक रूल्स पता है? जी हाँ पता है। अच्छा बताइए अगर आपको स्कूटर मोड़ना हो तो आप क्या करेंगे? तो मैं हाथ दूंगा। बाईं तरफ मोड़ना हो तो कौन सा हाथ देंगे? तो बताया हाथ दूंगा। बाईं तरफ मोड़ना हो तो? बाईं तरफ मोड़ना हो तो मैं बाया हाथ दूंगा। अगर आप स्कूटर पे जा रहे हो और आपके सामने सडनली एक ट्रक फुल स्पीड में आ जाए और आपको ये पता चले कि आपके स्कूटर की ब्रेक फेल है तो आप क्या करेंगे? उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, वो तो जो करेगा ट्रक ही करेगा। बिल्कुल नहीं, आप हैंड ब्रेक दबाएंगे। जी हैंड ब्रेक। अच्छा आप ये बताइए कि अगर आपको पेट्रोल टैंक में डाल दिया जाए तो आप कहाँ से बाहर निकलेंगे? पेट्रोल टैंक में डाल दिया जाए तो? मेरा मतलब है कि अगर पेट्रोल को पेट्रोल टैंक में डाल दिया जाए तो वो कहाँ से बाहर निकलेगा? तो वो एक्सेलेटर से, कार्बोरेटर से, क्लच से, ब्रेक से? नहीं, वो साइलेंसर के थ्रू धुआं बन के बाहर निकलेगा। अब आप ये बताइए कि इस शहर में कितने सिग्नल है? इस शहर जी, इस शहर में ही जी, जिस शहर में हम लोग रहते हैं उसमें। मैडम देखिए मैंने कभी काउंट तो नहीं किया लेकिन मेरा ख्याल है कुछ 400-500 सिग्नल तो होंगे। गलत कह रहे हैं, देखिए पूरी दुनिया में तीन ही सिग्नल है। कौन सा? कौन सा? लाल, हरा, और पीला। आखिरी सवाल, अगर आप भीड़ में जा रहे हो और एकदम से आपका स्कूटर बंद पड़ जाए तब आप क्या करेंगे? मैं भीड़ में जा रहा हूँ और मेरा स्कूटर बंद पड़ जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता मैडम। आप स्कूटर को दोबारा स्टार्ट करने की भी कोशिश नहीं करेंगे? वो तो तब करूंगा ना अगर वो स्टार्ट होगा तो। हमारा स्कूटर स्टार्ट भी होता है या नहीं? नहीं होता मैडम, होता है, मैं इसको धकेल के थोड़े लाया हूं यहां तक, चला के लाया हूं। स्टार्ट हो गया, देखिए हो गया स्टार्ट है ना, बंद तो एक साइड के अंदर हो जाता है। हां वो साइड में बटन है वो दबाया और बटन तो है ही नहीं कि वो गिर गया होगा कहीं। तो बंद कैसे होता है? बंद देखिए इसको स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद इसको फर्स्ट गियर में डाला, डाल के आपने क्लच छोड़ दिया, बस स्टार्ट हो गया। मैडम चलाऊं? चलाइए, वहां से यू टर्न लेके आइए। बस मैं यूं गया और यूं यू टर्न लेके आया मैं। बंद हो गया मैडम, एक सेकंड फिर से स्टार्ट करो।
बस गया मैडम। तुम्हें क्या लगता है ये यूं यूटर लेके वापस आएगा? पता नहीं, लगता है वो तो डर के भाग गया। यूटर लेने को कहा था, लगता है अबाउट टर्न लेके चला गया। अरे ये तो फुल टर्न लेके वापस आ गया। लेकिन आप रह कहाँ गए थे? जी वो पांडे जी मिल गए थे क्या? वो मेरे भैया के दोस्त हैं। होता होता है कभी कभी। वैसे आप डबल सवारी चला सकते हैं? अरे मैडम डबल क्या, मैं तो ट्रिपल सवारी कई बार चार लोगों को बैठा के चला लिया मैंने। क्या? जी नहीं, मेरा मतलब है मैं कभी फोर लोगों को बैठा के नहीं चला, तो मैं डबल सवारी कर लेता हूँ। अच्छा पांड्या जी, आप इनके पीछे बैठिए, जरा टेस्ट लीजिए। जी मैं इनके बैठिए ना। जी एक सेकंड सर, मैं जरा स्कूटर स्टार्ट करता हूं। आइए। लो बैठ गया। क्या स्कूटर बैठ गई? नहीं नहीं स्कूटर नहीं, मैं बैठ गया। और देखिए अगर मैं जल्दी ना लौटूं तो एम्बुलेंस को फोन कर दीजिएगा। चलिए चलिए बस बस रेडी हैं आप? हाँ हाँ, चलिए लेफ्ट का सर्कल लीजिए, लेफ्ट का। हाँ अब राइट का सर्कल लीजिए, राइट। हाँ चलिए चलिए। अरे भाई साहब गाड़ी तो बहुत अच्छी चला लेते हैं आप। अरे सर अभी आपने देखा ही क्या है। रोकिए गाड़ी, क्यों रोक दी? आपने कहा रोक दो। अरे सड़क के बीचों बीच थोड़ी रोकना था, रूल्स के मुताबिक साइड में लेकर रोकना चाहिए। ओ सॉरी सर सॉरी, लेकिन आपने कहा था ना। खैर चलिए चलिए जी, आपने कहा था इसलिए मैंने। अरे क्या हुआ पांडे जी? चालान, तीन सवारी बिठाई है, ट्रिपल सवारी अलाउड नहीं है। अरे तीन सवारी कहाँ है सर, एक मैं हूँ और एक ये है। ये एक है? नहीं नहीं बात तो सही है। कितने पैसे देते? कबड्डी के भाई हो, 20 रुपए दे। ये लीजिए, क्या जगह दे दीजिए जरा। मैडम इस पे बस जरा आप स्टैंप मार के दस्तखत कर दीजिए। आपको स्कूटर का लाइसेंस मिल ही नहीं सकता। देखिए आपका स्कूटर काला धुआं छोड़ता है, आगे की लाइट जलती नहीं, पीछे की लाइट बंद ही नहीं होती, स्कूटर आपका कभी वैसे ही स्टार्ट नहीं होता, और कभी अगर हो भी जाए तो बंद ही नहीं होता। मैडम लाइसेंस आपने स्कूटर को तो नहीं देना, लाइसेंस तो आपने मुझे देना। लेकिन आपको स्कूटर चलाना आता है? क्या बात कर रहे हैं आप, अभी थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि तुम बड़ा अच्छा स्कूटर चलाते हो। अरे सड़क के बीचों बीच स्कूटर खड़ा कर देते हैं, खुद भी मरेंगे दूसरों को भी मरवाएंगे। सिग्नल कितने ये तक तो आपको पता नहीं, फिर सवारी चलते हैं। आपको ये लाइसेंस बिल्कुल नहीं मिल सकता। लाइसेंस बनवाना है? हाँ। ये लो मुसदीलाल चोपड़ा, बन गया तुम्हारा टू व्हीलर का लाइसेंस। मुसदी बाबू 140 रुपए लाइसेंस के, 200 हमारे, 340। बस लीजिए, ये देखिए ये हैं 1, 2, 3 और 400 रुपए। ये लीजिए मुसद्दी बाबू, एक समस्या खड़ी कर दी आपने। 60 रुपए चेंज है आपके पास? नहीं 60 रुपए चेंज तो नहीं है। पड़े साहब 60 रुपए? अरे भाई देखो ना जेब में होगा, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो दो बातें होगी, या तो आपको 60 रुपए वापस मिलेंगे या तो नहीं मिलेंगे। मिलेंगे तो ठीक है, नहीं मिले तो दो बातें होगी, या तो मैं रख लूंगा या तो हम आधा आधा बांट लेंगे आपस में। मैंने रख लिया तो अच्छा है मेरे लिए, मगर आधा आधा बांटने पड़े तो दो बातें होंगी, या तो 30-30 रुपए छुट्टे होंगे या तो नहीं होंगे, छुट्टे हो तो ठीक है, छुट्टे नहीं हुए तो दो बातें होंगी। अरे छुट्टे के लिए क्यों मगजमारी कर रहे, कार का लाइसेंस बनवा लो, एडजस्ट हो जाएगा। एक कार के लाइसेंस का मैं क्या करूंगा, मुझे तो कार चलानी नहीं आती। महाराज बनवा लीजिए, सीट बाद में लीजिएगा, बनाई बनाई और क्या। तो 25 रुपए और दो। छुट्टे का तो प्रॉब्लम है ना। सुनिए सुनिए सुनिए, अब 75 रुपए हम चेंज कहाँ से लाएंगे? पटेल साहब थ्री व्हीलर का भी ठोक दीजिए। अरे थ्री व्हीलर का मैं क्या करूँगा? अरे कर लीजिए, बनवा लीजिए, फ्यूचर में जरूरत पड़ेगा, मान लीजिए नौकरी से निकाल दिया गया तो थ्री व्हीलर चलाइए, ठोक दो। थ्री व्हीलर चलाना तो मुझे आता ही नहीं है। हाँ तो टू व्हीलर भी कहाँ आता है, 25 रुपए और दो, छुट्टे देना। अरे आप स्टैंप पे स्टैंप लगाए चले जा रहे हैं, मेरे पास छुट्टा नहीं है, 25 रुपए छुट्टे नहीं है मेरे पास। बाबू कितना है आपके पास? मेरे पास 100 का नोट बचा और 10 का बस। अगर जी 10 का आप रखिए, 100 का हमें दीजिए, हैवी व्हीकल का लगाई दीजिए सर। हैवी व्हीकल? हाँ बस ट्रक बुलडोजर इत्यादि। हाँ इत्यादि। ऐसा कीजिए एक हेलीकॉप्टर का लाइसेंस भी बना दीजिए। नहीं नहीं वो हमारे RTO के अंडर नहीं आता। अच्छा।